यूपी की सीट पर सपा में मचा घमासान, कौन चुनाव लड़ेगा अखिलेश करेंगे तय। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। मिश्रित लोकसभा सीट पर सपा की टिकट को लेकर घमासान मचा, सपा ने पहले पूर्व मंत्री फिर उनके बेटे और बाद में बहू को टिकट दिया। उन्होंने सोमवार को अचानक कलेक्ट्रेट पहुंचकर उसे सपा से नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया, लेकिन उसी बीच नया मोड़ तब आ गया जब पूर्व सांसद रमा शंकर भार्गव ने मंगलवार को सपा से नामांकन पत्र लेकर बुधवार को दाखिल करने की घोषणा कर दी, जिससे अन्य दलों की तो बात दूर, सपाई ही असमंजस में पड़ गई और बुधवार को पार्टी की तरफ से कौन नामांकन करेगा यह नहीं बता पाई। जिला अध्यक्ष का तो कहना था कि वह परेशान है कि किसकी फोटो लगाएं। तीन जिलों में फैली मिश्रित सीट पर सपा ने पहले पूर्व मंत्री और दिग्गज सपा नेता रामपाल राजवंशी को प्रत्याशी बनाया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके पुत्र मनोज राजवंशी की टिकट घोषित कर दी गई। वह चुनाव प्रचार करते समय पहले ही मनोज की पत्नी संगीता राजवंशी को सपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। संगीता राजवंशी ने अपने ससुर व मंत्री रामपाल राजवंशी के साथ चुनावी प्रचार शुरू कर दिया। पहले ही दिन नामांकन पत्र लेकर 24 तारीख को उसे दाखिल करने की तैयारी की, लेकिन तब तक एक बार फिर टिकट बदलने की हवा उड़ी तो संगीता राजवंशी ने सोमवार को ही अपने ससुर पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी के साथ सादगी से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, लेकिन मंगलवार को पूर्व सांसद राम शंकर भार्गव ने भी सपा से नामांकन पत्र लेकर चौंका दिया। चर्चा हो गई कि अब संगीता राजवंशी के स्थान पर पूर्व सांसद रामाशंकर भार्गव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देर शाम तक सपाई निश्चित नहीं कर सके। सपा जिलाध्यक्ष सराफत अली का कहना है कि दोनों ही नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास बैठे हैं और वहीं से तय होगा कि सपा से कौन चुनाव लड़ेगा। वह खुद परेशान है कि फोटो किस प्रत्याशी की लगाएं, घमासान है कौन चुनाव लड़ेगा और सपा का चुनाव निशान साइकिल किसे मिलेगा, कहीं ना बन जाए दिल जले या जुड़ न जाए रिश्ते। सपा संगीता राजवंशी को प्रत्याशी बनाए रखती या फिर पूर्व सांसद रमा शंकर भार्गव को टिकट दे देती है, पार्टी के निर्णय पर ही पता चलेगा। लेकिन घमासान में दो बातें सामने आई हैं। सपा के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी इससे नाराज बताए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दल से मिला धोखा उन्हें दिल जलाना बना दे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा प्रत्याशी सांसद अशोक रावत के बड़े भाई सांडी विधायक प्रभाष कुमार के रामपाल राजवंशी के ससुर हैं। राजनीतिक चयनकारों का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि दल से टूटा दिल रिश्तों को ना जोड़ दे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।